हे एवरीवन, आज हम बनाएंगे एक बहुत ही टेस्टी और स्पेशल डेजर्ट जो है चॉकलेट मूस, जिसे आप घर पर ही बहुत आसानी से बेकरी शॉप में मिलने वाले चॉकलेट मूस की तरह बना सकते हैं। ये आपके मीठे की क्रेविंग्स को पूरा करने के लिए बिल्कुल परफेक्ट डेजर्ट है। इसे बनाना जितना आसान है उतना ही ये खाने में मजेदार लगता है। इजी चॉकलेट मूस बनाने के लिए हमें यूज करना है सिर्फ दो इंग्रेडिएंट्स, डार्क चॉकलेट और व्हिपिंग क्रीम, और बनकर रेडी हो जाएगा बिल्कुल बाजार जैसा चॉकलेट मूस। तो चलिए देखते हैं इसे बनाते कैसे हैं। सबसे पहले गैस ऑन कर लेंगे और लेंगे एक सॉस पैन या कोई बर्तन जिसमें डालेंगे एक कप पानी। फ्लेम को मीडियम पर रखेंगे और पानी को हल्का सा उबलने देंगे। जब पानी हल्का सा शिमर होने लगे तो फ्लेम को लो पर कर लेंगे और इसके ऊपर रखेंगे एक हीट रेसिस्टेंट ग्लास का बोल, जिसे इस तरह से बर्तन के ऊपर रख लेंगे। इस प्रोसेस को डबल बॉइलिंग कहते हैं। तो ध्यान रहे कि जिस बर्तन में हम पानी बॉईल कर रहे हैं उसका साइज बोल से थोड़ा छोटा होना चाहिए, ताकि बोल उस पर आसानी से बैठ पाए। आप ग्लास के बोल की जगह स्टील के बर्तन का भी यूज कर सकते हैं। अब बोल में डालेंगे 200 ग्राम चॉप किया हुआ डार्क चॉकलेट। डार्क चॉकलेट कंपाउंड इजीली अवेलेबल होता है मार्केट में, या फिर कोई सा भी चॉकलेट आप ले सकते हैं इसे बनाने के लिए। अब इसमें डालेंगे 100 ml व्हिपिंग क्रीम, जो मैं अमूल का यूज कर रही हूँ। और ये जो व्हिपिंग क्रीम है वो बिल्कुल नॉर्मल यानी रूम टेम्परेचर पर होना चाहिए, नहीं तो ग्लास का जो बोल है वो क्रैक हो सकता है, तो इस बात का ध्यान जरूर रखें। इसे अच्छे से लगातार चलाते हुए पूरी तरह से मेल्ट कर लेंगे, तो इसका टेक्सचर कुछ इस तरह से फ्लोई हो जाएगा। चॉकलेट पूरी तरह से पिघल गया है, तो जब ये कुछ इस तरह का हो जाए तो हमें गैस बंद कर लेना है और इसे ठंडा होने के लिए साइड रख लेंगे। अब एक दूसरा बड़ा बोल ले लेंगे और उसमें डालेंगे 300 ml चिल्ड व्हिपिंग क्रीम। व्हिपिंग क्रीम बहुत ही ठंडा होना चाहिए, आप तभी फ्रिज से निकाले इसे जब आपको ये प्रोसेस करना हो। व्हिपिंग क्रीम अच्छी तरह ठंडी होगी तो ही क्रीम का जो टेक्सचर है वो हमें जैसा चाहिए, बिल्कुल फ्रॉथी वैसा ही आएगा। तो चलिए ठंडी ठंडी व्हिपिंग क्रीम को व्हिप कर लेते हैं। अगर आपके पास इलेक्ट्रिक बीटर है तो बहुत अच्छी बात है, और अगर नहीं है तो भी आप इस रेसिपी को अच्छे से बना सकते हैं हैंड विस्कर का यूज करके। इसे हमें तब तक फेंटना है जब तक कि क्रीम फ्रॉथी ना हो जाए, यानी थोड़ा फोम जैसा टेक्सचर ना हो जाए। तो इस तरह से हाथ को घुमाते हुए हमें 8 से 10 मिनट के करीब इसे बीट करना है, ताकि क्रीम में एयर फॉर्म हो जाए। जब ये थोड़ी हल्की हो जाए तो समझ जाए कि इसमें अच्छे से एयर फॉर्म हो चुका है। तो इस तरह से इसे फेंटते रहे, कुछ देर के बाद आप देखेंगे कि क्रीम में सॉफ्ट सा पीक फॉर्म होने लगा है। आप देख सकते हैं क्रीम में सॉफ्ट पीक्स बन रही है, मतलब ये हो चुका है। अब इसमें थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे चॉकलेट जो हमने पहले रेडी किया था, और इसे भी व्हिपिंग क्रीम के साथ अच्छे से व्हिप कर लेंगे। इसे भी तब तक फेंटेंगे जब तक इसमें सॉफ्ट पीक्स ना बने। अब फिर से जो बचा हुआ चॉकलेट है वो सारा इसमें डाल लेंगे और अच्छे से सॉफ्ट पीक्स बनने तक इसे बीट कर लेंगे। तो लीजिए, बन गया है हमारा डिलीशियस डार्क चॉकलेट मूस। इसे किसी बोल या कप्स में आप ट्रांसफर कर सकते हैं। मैं इसे एक बोल में निकाल रही हूँ। अब इसमें ऊपर से कुछ चॉको चिप्स स्प्रिंकल कर लेते हैं। इस चॉकलेट मूस को आप फ्रिज में करीब 3 से 4 घंटे के लिए रख दे और फिर इसे सर्व करें। 3 से 4 घंटे में ये बिल्कुल रेडी हो जाएगा सर्व करने के लिए। वीडियो और रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करें, और इसे जरूर ट्राई करें, और कमेंट कर मुझे बताएं कि आपकी चॉकलेट मूस मेरी रेसिपी को फॉलो करके कैसी बनी। चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब भी जरूर कर लें। थैंक यू, टेक केयर।